Hello Bacho, let's read the question. The question says contractile protein of skeletal muscle involving ATPase activity is option A troponin, option B tropomyosin, option C myosin, and option D alpha actin. So the key concept that will be used here is structure of proteins. इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रेक्शन सो क्या स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का सबसे पहले होती है हमारे पास एक्टिन फिर ये है एक्टिन की एक्टिव साइट ये हमारे पास एक्टिन फिल्मेंट है और ये एक्टिव साइट है एक्टिन की एक्टिन से बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन, जो कि दो फिलामेंट्स से मिलकर बना होता है और ये रन करता है अलोंग एक्टिन ताकि एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन प्रीवेंट हो सके तो ये क्या है हमारा ट्रोपो मायोसिन फिर ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है ट्रोपोनिन जिसकी तीन यूनिट्स होती हैं तीन सब यूनिट्स होती हैं जो यूनिट बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन से उसको बोला जाता है टीपीटी, दैट इज ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन इससे बाइंड करेगी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से ये है टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन फिर एक होता है टी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन पी इसके साथ आकर के कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है फिर एक सब यूनिट होती है इसकी टीपीआई जो मास्क करती है एक्टिन की एक्टिव साइट को टी पी आई फिर होता है हमारे पास मायोसिन ये मायोसिन का हेड है और ये इसकी एक्टिव साइट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है एटी जो ए को यूज़ करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बताना है स्केलेटल मसल का जो इन्वॉल्व होता है ए एक्टिविटी में तो कौन सा प्रोटीन हो जाएगा हमारा मायोसिन प्रोटीन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन थैंक यू